जति जगुपालति हरति दुख पानके पानी धान की जो श्री जति जगुपालति हरति दुख पाई कृपा निधान की जो सहस शिशु अहिषु महि धरु चरधनी जो सहस शिशु अहिषु महि सुर काज धरि नटराज तनु चल दलन कल निशिचर अनि सुर काज धरि नटराज तनु चल हे प्रभु आप ही शस्त्रार्जुन को मारने वाले हो। आपने ही अनेक अनेक असुरों का वध किया। आपने ही हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु को मारा है। आप साक्षात ईश्वर हो, आप भगवान हो और आपके साथ ये जो लखन है ये साक्षात अनंत शेष के अवतार हैं। हे प्रभु मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं आपके बारे में आपके प्रभाव के बारे में सब कुछ जानता हूँ, परंतु आपने मुझे पूछा है इसलिए आपके आशीर्वाद से आपकी कृपा से आपको रहने के लिए मैं 14 स्थान बताता हूँ। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण में भगवान को रखने के भगवान को रहने के 14 स्थान बताए हैं। भक्तों रामायण सुनकर भगवान के प्रति यदि प्रेम हो जाए और आपके मन में इच्छा हो कि भगवान को हम हमारे हृदय में बसाए, भगवान को हम हमारे घर में बसाए, हम भगवान को देखें, भगवान का दर्शन करें, यदि यह इच्छा है तो वाल्मीकि के बताए हुए 14 स्थान को सुन लीजिए। ये 14 जगह पर भगवान रहते हैं। 14 स्थान, ये 14 स्थान और कुछ नहीं, ये 14 भगवान की भक्ति के अंग है। और वाल्मीकि जी ऐसे स्थान बता रहे हैं जो इस संसार में सब लोग इस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, सब लोग ऐसे स्थान को बना सकते हैं। भगवान को पाने के लिए बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो तत्व चाहिए वो तत्व हम में पहले से ही है। इसलिए वाल्मीकि ऋषि भगवान को रहने का प्रथम स्थान बता रहे हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, प्रथम स्थान जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, होई निरंतर होई न पूरे, तिनके गृह तुम कहो गृह रूरे। हे प्रभु आपको रहने का प्रथम स्थान, आप जगत जननी सीता और लक्ष्मण वहां जाकर रहिए। कहां? जो लोग अपने कान के माध्यम से नित्य निरंतर आपकी कथा सुनते रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? उनकी कथा सुनने वालों के हृदय में रहते हैं। भगवान को अपने घर पर ले जाना चाहते हो, अपने हृदय में बिठाना चाहते हो, इस कान के माध्यम से भगवान की कथा सुनते रहो। जिन के श्रवण कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, तब तो आप लोगों के मन में होगा अब तो हमारे घर में भगवान आ ही जाएंगे, क्योंकि विरार में कथा हुई, कथा सुन ली हमने। गोस्वामी जी को ये पता था, ये जानते थे। कुछ लोग कहते हैं ना, हम निमंत्रण देते हैं राम कथा में आइए, भागवत कथा में आइए, बोले हमने तो भागवत कथा सुन लिया है। कुछ लोग सोचते हैं बस एक बार सुन लिया तो हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे नहीं, वाल्मीकि ऋषि कहते हैं एक बार नहीं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, जो बारंबार कथा सुनता रहे, एक बार नहीं बारंबार, और बार बार कथा सुनने के बाद भी तृप्त न हो, होई निरंतर होई न पूरे, बार बार सुनने के बाद भी जिसको अरुचि उत्पन्न न हो, जिसको यही लगे कि और सुनाइए, यत् शृणुताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, इस प्रकार से जब हृदय में जिज्ञासा हो जाए बस सुनाते रहिए, हम सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं,
उदाहरण देते हैं जैसे समुद्र, वाल्मीकि ऋषि दृष्टांत देते हैं, जैसे समुद्र में अनेक नदियां प्रचंड वेग से आकर मिलती हैं, परंतु आज तक समुद्र ने कहा बस अब बहुत हो गया, अब आप लोग मुझ में मत गिरना। कभी समुद्र ने गंगा यमुना सरस्वती को कहा? कभी नहीं। ये अनेक अनेक नदियां समुद्र में आती हैं, परंतु समुद्र तृप्त नहीं होता। हजारों हजारों वर्षों से वह नदियां आती हैं और निरंतर समुद्र में प्रवेश करती हैं, परंतु समुद्र तृप्त नहीं होता है। वैसे ही भगवान की कथा निरंतर इस कान में जाती रहे और हृदय तृप्त न हो, उनके घर पर भगवान बसते हैं, उनके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रभु आप वहाँ पर जाइए, ये लोग निरंतर आपकी कथा सुनते हैं, ये प्रथम स्थान। आपके हृदय में प्रश्न हो सकता है, क्या कथा सुनने वाले को भगवान मिले हैं? सैकड़ों दृष्टांत, ज्वलंत प्रमाण। आज से 5000 वर्ष पहले परीक्षित महाराज इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट, और यहां तक उसको श्राप लगा था। हमें श्राप तो नहीं लगा है ना, परीक्षित को तो श्राप लगा समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा, 7 दिन में तक्षक नाग के द्वारा ये मर जाएगा। अनेक लोगों ने कहा कि महाराज आप दान करो, क्योंकि आप राजा हो, धन की कोई कमी नहीं है। बोले दान देने से पुण्य मिलता है और पुण्य प्राप्त करने से स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग में सुख है, परंतु एक ना एक दिन तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम क्षणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, उस स्वर्ग से भी एक ना एक दिन इस पृथ्वी पर गिरना पड़ता है, इस पृथ्वी पर वापस आऊं ऐसा कार्य नहीं करना है। किसी ने कहा ध्यान करो, बोले असंभव है, यज्ञ करो असंभव। तब महाराज परीक्षित ने अपने जीवन में निर्णय लिया कि अब मैं मेरे 7 दिन में, मेरे अंतिम काल में, जीवन में मात्र भगवान की कथा सुनूंगा। परीक्षित महाराज बैठे, सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाना प्रारंभ किए, 7 दिन 7 रात तक कथा सुने, और हो ही निरंतर, हो ही न पूरे, और जैसे सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। बीच में सुखदेव गोस्वामी ने कहा महाराज अब आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, घर पे चाय पानी करके आइए, थोड़ा भोजन कर लीजिए, आराम कर लीजिए, क्योंकि आप तो राजा हो और राजा अनेक प्रकार के भोग भोगने के अभ्यस्त होते हैं, इसलिए आप विश्राम करो। परीक्षित महाराज कहते नहीं नहीं, मुझे किसी भी प्रकार की भूख और प्यास न शात दुही शात सुनमाम त्यक्तोदम अपि न बाधते, भागवत में परीक्षित महाराज कहते हैं मुझे भूख और प्यास बाधित नहीं कर रही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वहां तो आधे दिन में भूखे हो गए थे, प्यासे हो गए थे, समीक ऋषि का अपराध किया, आपको श्राप मिला, यहाँ 4-5 दिन से भूखे हो प्यासे हो, आपको भूख नहीं प्यास नहीं? बोले नहीं। बोले ऐसा क्या मिल रहा है? तब परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु आपके श्री मुख से भगवान की कथा अमृत झरने के तरह जर्जर जर्जर झरते हुए भगवान की पवित्र कथा अमृत का पान कर रहा हूँ। बताओ प्रभु जो अमृत पी रहा है वो पानी की इच्छा कर सकता है? अमृत पी रहा हूँ, पानी नहीं चाहिए। इस प्रकार से 7 दिन 7 रात तक महाराज परीक्षित ने यह कथा सुनी और 7वें दिन हजारों ऋषि मुनियों के देखते देखते भगवान के पार्षद शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारण करके महाराज परीक्षित को विमान में बिठाया और भगवान के धाम में लेकर चले गए, परम पद को प्राप्त हो गए। कथा सुनकर वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि प्रभु जो लोग आपकी निरंतर कथा सुनते रहे उनके घर पर रहिए। आप लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है कि कथा हम कहाँ सुनेंगे, यहाँ तो हुई तो हम आए, अब कहाँ जाएंगे? भक्तों प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है, मुंबई में एक नहीं 4-4 मंदिर हैं। मीरा रोड में राधा गिरधारी मंदिर, पार्ला में राधा रास बिहारी जुहू मंदिर, गोपीनाथ मंदिर ग्रांट रोड में, और खार घर में राधा मदन मोहन मंदिर। किसी भी मंदिरों में जाकर, क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा से निरंतर ये कथा अपने मंदिरों में चल रही है, ये प्रथम स्थान। दूसरा स्थान बता रहे हैं, प्रथम स्थान जान लिया, अब दूसरा स्थान। दूसरा स्थान बताते हुए कहते हैं लोचन जा लोचन चातक जिन
करी राखे रही दरस जल धर अभिलाषे। लोचन चातक जिन करी राखे, दूसरा बता रहे हैं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं कान के द्वारा जो भगवान ने आप सबको दिए हैं। अब दूसरा बता रहे हैं आंख के द्वारा भगवान मिल सकते हैं यदि इन आंखों के द्वारा निरंतर भगवान के दर्शन करते रहे। बोले कहां? भगवान के मंदिरों में निरंतर भगवान को देखने की प्यास हो, भगवान को देखने की उत्कंठा हो। परंतु दुर्भाग्य है इस जगत में भगवान को देखना कोई नहीं चाहते हैं, संसार के भोग को देखना चाहते हैं। पुरुष लोग स्त्रियों को देखना चाहते हैं, स्त्रियां पुरुष को देखना चाहती हैं जिनके साथ कोई संबंध नहीं है। परंतु जो लोग भगवान को निरंतर देखते हैं, निरंतर उत्कंठा से भगवान का दर्शन करते हैं, और भगवान को देखने में ही लाभ है। भक्तों, भगवान को न देखकर दुनिया की यदि कोई गलत वस्तु को हम देख लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन में बहुत गहरा असर कर लेता है। हमारा मन जो है उस कैमरे की रील के समान है और हमारे आंख उस कैमरे की लेंस के समान है। हम जो भी देख रहे हैं हमारे मन में फिट होता जा रहा है, और हमारा मन इतना बिगड़ा हुआ है। आप अच्छा दृश्य देखोगे उनका प्रभाव इतना नहीं होगा, परंतु बुरे दृश्य का प्रभाव बहुत गहरा हो जाता है। और बुरा दृश्य देखकर वह दृश्य अपने जीवन में करने का मन होता है, और माया का और कलयुग का प्रभाव इस मुंबई जैसी माया नगरी में तो कदम कदम पर बुरे दृश्य का दर्शन हमें मिलता है और हमारे आंखों के सामने आता है, निश्चित हमसे बुरा कार्य करा सकता है। इसलिए इस बुरे दृश्य को न देखकर भगवान को निरंतर देख, और जो लोग निरंतर भगवान को देखते रहते हैं उनके घर पर भगवान जाते हैं। ये दूसरा स्थान। तीसरा स्थान बताते हैं, जसु तुमार मानस विमल हंसिनी जीहा जासु। जो लोग अपने मन में भगवान की कथा का, भगवान की लीला का स्मरण करते हैं, भगवान का रूप अत्यंत सुंदर है, भगवान की लीला अद्भुत है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की लीला मन को आनंद देने वाली, मन रंजनम, मन को रंजन करने वाली। वास्तव में ये टेलीविजन में क्या मनोरंजन हो सकता है? सबसे बड़ा मनोरंजन भी यदि आपको चाहिए तो भगवान की कथा में मिलेगा। मन को आनंद करा देंगी भगवान की कथा। भगवान की कथा, भगवान के स्वरूप में, गुण रूप लीला में यदि हम हमारा मन लगाते हैं तो भगवान हमारे अंदर बसते हैं, भगवान प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मन में भगवान का स्मरण। आपको प्रश्न हो सकता है किसी ने किया? बोले हाँ, प्रहलाद ने। प्रहलाद भगवान का नाम नहीं लेते थे, कथा नहीं सुनते थे, प्रहलाद भगवान का स्मरण करते थे अपने मन से, क्योंकि असुर कुल में थे। नाम लेते तो हिरण्यकश्यपु कभी का मार डालता, और कथा सुनने का तो कोई अवकाश ही नहीं था उस हिरण्यकश्यपु के राज्य में। अंदर ही अंदर भगवान का स्मरण करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग इतने फंसे हुए हैं, भक्ति नहीं कर सकते हैं। बोले स्मरण तो कर सकते हो, भगवान ने इतना सुंदर मन दिया, स्मरण कीजिए कथा का। जो लोग भगवान की कथा का स्मरण करते हैं उनके हृदय में भगवान रहते हैं। चौथा स्थान बताते हुए कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा सादर जासु लई नितनासा। जो अपनी नासिका से, अपने नाक से भगवान की तदीय वस्तु का, तुलसी, भगवान के चरणों में लगाए हुई तुलसी, या भगवान के चरणों में लगाए हुए केसर चंदन का लेप, या भगवान के चरणों में लगाया हुआ फूल, यदि इन वस्तुओं को कोई सूंघता है तो सूंघने मात्र से भगवान मिल जाते हैं। बोलो, कौन कहता है भगवान को प्राप्त करना कठिन है? कौन कहता है भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है? बस करना क्या है? परफ्यूम न लगाकर भगवान के चरणों में जो प्रसाद लगा है उनको हमारी नासिका से लगाना,
भगवान के चरणों में जो हार है, फूल है, उनको अपने गले में धारण करना, ये बहुत बड़ी भक्ति है। रूप गोस्वामी भक्तिसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंगों में इसका वर्णन किया है। तो इस भक्ति को करने से भगवान की प्राप्ति होती है, और भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए फूल का यदि कोई अपमान करता है तो बहुत बड़ा अपराध भी होता है, जैसे दुर्वासा ऋषि को हुआ था। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था भगवान के गले की माला का अपराध करने के कारण। तो भगवान के चरणों की तुलसी को जो सूंघता है, उनके घर पर भगवान रहते हैं। और अब ये सब तो जीवन में करेंगे नहीं करेंगे ठीक है, लेकिन ये चीज तो सबके जीवन में हो ही रही है। तुम ही निवेदत भोजन कर, अब हमारे टाइप की बात आ रही है। भोजन तो सबको प्रिय है क्योंकि बहुत लाइन लग जाती है यहाँ पर। तुम ही निवेदत भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। बोले भोजन तो सब लोग करते हैं, परंतु भगवान को भोग चढ़ाकर फिर प्रसाद के रूप में जो ग्रहण करते हैं, उनके घर पर भगवान जाते हैं, उनके हृदय में भगवान आते हैं, वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में भोजन सब लोग करते हैं, परंतु भगवान को चढ़ाते नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं कि आप जो भी खाते हो वे सभी वस्तु में जीव है। कुछ लोग कहते हैं हम लोग वेजिटेरियन हैं, हम लोग वेजिटेरियन हैं, हम लोग शुद्ध हैं। बोले नॉन वेजिटेरियन जो है, नॉन वेज खाने वाले तो पापी है ही, वे अंडा खाते हैं, मांस को काटकर जीवों की हत्या करते हैं, वो तो पापी है ही। परंतु जो लोग वेजिटेरियन है वो भी पापी है, प्रमाण के साथ कह सकते हैं। क्योंकि सोचते हैं कि गाय को काटने में पाप है, हाँ है, बकरे को काटने में पाप है, हाँ है, क्योंकि गाय में जीव है, बकरे में जीव है, तो क्या वनस्पति में जीव नहीं है? जगदीश चंद्र बोस ने यह साबित किया विज्ञान में कि वनस्पति में भी जीव है। जितना पाप पशुओं को काटने से लगता है, उतना पाप वनस्पति को काटने में भी लगता है। इसलिए यह मत सोचिए कि हम लोग पवित्र हैं, शुद्ध हैं। समस्त वनस्पति, पेड़ पौधे, फल फूल, सब में जीव है, और जब उसे काटते हैं तो यह बहुत बड़ा पाप होता है। और गीता में भगवान कहते हैं कि संसार में जो भी वस्तु है सब मेरे अंदर से निकली है, सब मेरी है, इसलिए ये सारी वस्तु आप अपने लिए ग्रहण करने से पहले मुझे चढ़ाओ, मुझे प्रदान करो। यदि हम कुछ भोजन भी करना चाहते हैं, शाकाहारी भोजन भी करना चाहते, मांसाहारी की तो बात ही नहीं है, क्योंकि मांस खाना ये मनुष्य का काम है ही नहीं। यदि हमको शाकाहार भी करना है, शाकाहारी भोजन लेना है, तब भी सबसे पहले भोजन बनाकर भगवान के मंदिर में भगवान को चढ़ाना चाहिए। सबके घर पर भगवान का विग्रह, भगवान का मंदिर होना चाहिए, भगवान को भोग लगाइए। और भगवान अपनी आंखों से भगवान को लगाते हैं, लेकिन वहां रोटी कम नहीं होती है। भगवान कहाँ खाने आते हैं, उसे कहाँ टाइम है, फुर्सत है? बोले भगवान भोजन करने आते हैं, और द्वापर युग तक तो भगवान रोटी खा भी जाते थे। आप भगवान को 15 रोटी चढ़ाओ तो 10 खा जाते थे, 5 ही बचाते थे द्वापर युग तक। कलयुग में भगवान ने वो बंद कर दिया। क्यों? भगवान ने सोचा कलयुग में इतने लोभी लोग हैं, कलयुग में लोभ की कोई कमी नहीं है, यदि मैं खाने लगूंगा तो ये भोजन चढ़ाएंगे नहीं मुझे। तो भगवान अपनी नेत्रों से ही, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यंती पंती कलयंती चयम जगंती, भगवान अपनी आंखों से ही सारी इंद्रियों का काम कर लेते हैं, खा लेते हैं। और फिर जब भगवान के पास हम भोग रख देते हैं तब वो प्रसाद हो जाता है, फिर खाओ, फिर उसमें पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की वस्तु भगवान को दे दी, बचा हुआ हमने खाया, इसमें कोई पाप नहीं। जैसे एक नौकर किसी के घर पर नौकरी कर रहा हो, मालिक के घर पर नौकरी करता है, और मालिक के घर पे जाकर
वो अपने लिए भोजन बनाए, अपने लिए गुलाब जामुन बनाए, पनीर मटर का सब्जी बनाए, पराठा बनाए और डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर खाने लगे, मालिक क्या करेंगे? उसे पीटेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? बोले मूर्ख दुष्ट, ये तेरा घर है कि मेरा घर है? ये सारी वस्तु तेरी है कि मेरी है? तेरे लिए क्यों बना रहा है? यहां तक कि मालिक उस नौकर को निकाल देंगे घर से, मत सत्य है। परंतु वह नौकर मालिक के लिए बनाए, मालिक आज मैं आपके लिए पनीर मटर बनाऊं, आपके लिए पराठा बनाऊं? बोले हाँ। तब नौकर मालिक के लिए बनाता है, बनाता है तो ज्यादा ही बना लेता है, फिर मालिक को देता है, मालिक कितना खाते हैं? मालिक खा लेने के बाद फिर नौकर बिंदास खा सकता है, फिर कोई टेंशन नहीं। मालिक सामने से कहता है अब खा लो, पड़ा है बचा है, उसमें कोई कर्म बंधन नहीं। ठीक उसी प्रकार इस जगत में सारी वस्तु, सब वस्तु भगवान की है। कुछ लोग कहेंगे भगवान की कैसे है, कमाने तो हम जाते हैं, वो धनुष वाले या बांसुरी वाले थोड़ी ना आते हैं कमाने के लिए। पहले तो ये तय कीजिए कि ये जगत में सारी वस्तु भगवान की है, पहले ये अपने बुद्धि में बिठाइए। कुछ लोग कहते नहीं मैंने कमाया, ये मेरा है, इस संसार में कुछ हमारा नहीं, सब कुछ भगवान का है। कैसे? श्री प्रभुपाद जी ईशोपनिषद में बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, मैं प्रत्येक कथा में ये कहता हूँ। एक बार एक सेठ था, एक मालिक था, अपने घर पर एक पलंग बनाना चाहता था, बेड। सोचा रेडीमेड जो है बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, मिस्त्री को घर पे बुलाकर अच्छा बेड बनवाऊंगा। मिस्त्री को बुलाया और कहा कि मुझे बेड बनाना है, कितना प्लाई चाहिए, कितना फेविकोल चाहिए, जो भी सामान चाहिए लिख दो, मैं लाकर दे देता हूँ। मिस्त्री ने लिखा और लाकर दे दिया। मिस्त्री ने कहा 10 दिन में मैं आपको तैयार करके दे दूंगा। सेठ के घर पर वो बेड बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे सेठ तो रोज सुबह निकल जाते हैं, शाम को घर पर आते हैं, धीरे 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 बेड बनता गया। 10वें दिन सेठ जब घर पर आए, मिस्त्री उस पलंग को लेकर बाहर निकल रहा था। सेठ ने कहा ए मिस्त्री कहाँ जा रहा है? बोले अपने घर जा रहा हूँ। बोले तू जा, पलंग को तो छोड़ के जा। बोले ये मेरा पलंग है इसलिए मैं लेकर जा रहा हूँ। बोले तेरा कैसे है? बोले मैंने बनाया है, मेरा पलंग है, मैं मेरे घर पर लेकर जा रहा हूँ। सेठ ने कहा मेरा है, मिस्त्री कहा मेरा है, दोनों के बीच में झगड़ा। अब आप ही जज बनिए, आप ही बताइए पलंग किसका है, आपको क्या लगता है, मिस्त्री का है, नहीं कि सेठ का है? वो पलंग सेठ का है। क्यों? क्योंकि सेठ ने ही वो लकड़े लाकर दिए, फेविकोल लाकर दिया, वो वस्तु जो थी सेठ की थी। मिस्त्री ने क्या किया, काट कर कुछ यहाँ वहां लगा दिया, तो कहने लगा मेरा है, परंतु वास्तव में वो माल जो था, वो जो वस्तु थी, वो सेठ की थी, इसलिए सेठ का। उसी प्रकार ये सारा जगत, ये सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर से निकला है। ईशोपनिषद प्रमाण है, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये सारा जगत इस आवास्य भगवान के अंदर से प्रकट हुआ है। ये सब कुछ भगवान का है, हम एक ईंट भी हमारे शरीर से नहीं निकाले, ये सब कुछ भगवान के अंदर से निकला है, भगवान का है। और यहाँ का माल यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का लेकर यहाँ बेचते हैं, यहाँ का लेकर यहाँ बेचते हैं, सोचते हैं ये सब कुछ हमारा है, हमने कमाया, हमने कमाया, हम उस मिस्त्री जैसे हैं। वास्तव में ये सब कुछ भगवान का है, इसलिए जीवन में कुछ भी वस्तु भोगने से पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। प्रभु प्रसाद तुम ही निवेदित भोजन कर ही, भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए। और गीता में भगवान कहते हैं ये पचंती आत्म कारणात्, यदि कोई मुझे भोग लगाए बिना स्वयं अकेला भोजन कर लेता है तो वह भोग नहीं वह पाप खा रहा है। भले वह वेजिटेरियन है तो क्या हुआ, मुझे भोग लगाए बिना खाता है तो वह पाप खाता है। इसलिए सभी लोगों को निवेदन है यदि भगवान को अपने घर पर, और जो लोग भगवान को भोग नहीं लगाते हैं ना उनके घर पर भगवान की बात तो दूर ही, भक्त भी नहीं जाते हैं, साधु संत भी नहीं जाते हैं, भगवान तो आएंगे ही नहीं। इसलिए भगवान को भोग लगाना चाहिए। कुछ लोग तो भाव में आ गए हैं कल से लगाएंगे, हैं विश्वास है, परंतु ये भी विश्वास है कि कुछ लोग चाय कॉफी भी भगवान को चढ़ाएंगे, कांदा लहसुन भी चढ़ाएंगे। इसलिए मैं आपको अवगत कर दूं
कि भगवान कभी भी चाय कॉफी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। ये गीता में क्लियर भगवान ने कहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भगवान जब इस संसार में आए थे तब चाय थी नहीं। ये चाय कब आई आप जानते हैं? ये ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए हमारे इंडिया में, वो तो चले गए लेकिन चाय छोड़ कर गए, दो चीज छोड़ कर गए, चाय और पैंट। भारत में पैंट की सुविधा नहीं थी, धोती पहनते थे, लेकिन ये लोग चाय को छोड़ कर गए। और आज लोग कहते हैं चाय के बिना हम रह नहीं सकते। भगवान कभी, आपने कभी सुना भगवान कृष्ण गए थे अपने सखाओं के साथ ब्रज में, भोजन थाली के ऊपर बैठकर भगवान कृष्ण चाय पी रहे थे? या प्रातः काल उठ के रघुनाथा हाथ में कटोरा लेकर चाय पिया? कभी नहीं, कोई रामायण में नहीं, भागवत में नहीं, नहीं तो कहीं तो वर्णन होता कि प्याज लहसुन चाय कॉफी भगवान, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक नशा है, ये अखाद्य वस्तु है। इसलिए ध्यान रहे, भगवान ने भी गीता में क्लियर कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमि भक्ता प्रयच्छति। यदि भगवान ये सब खाते तो गीता में कहने में क्या हर्ष था? मांस अंडा मछली तोयम, शराब गांजा दारू तोयम, नहीं, भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसलिए ध्यान रहे, भगवान को यदि भोग चढ़ाते हैं तो प्याज लहसुन नहीं चढ़ना चाहिए, चाय कॉफी कभी नहीं। भगवान चाय के सामने देखते तक नहीं है। तो इस प्रकार भगवान को जो भोग लगाकर ग्रहण करते हैं उनके घर पर भगवान जाते हैं। समय बहुत कम है, संक्षिप्त में सुन लीजिए। शीष नावाई सुर गुरु द्विज देखी, जो गुरु को देखकर, ब्राह्मण को देखकर और देवताओं को देखकर अपना शीश नवाता है उनके घर पर भगवान जाते हैं। वास्तव में गो विप्रसुर साधु नाम, भागवत के अष्टम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान गाय, ब्राह्मण और देवताओं से बहुत प्रेम करते हैं। और इस पृथ्वी पर जब जब गाय, ब्राह्मण और देवताओं पर, गो विप्रसुर साधु, ये तीन लोगों के ऊपर आपत्ति आती है तब भगवान इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। तो ऐसे भगवान के जो प्रिय हैं ब्राह्मण, भगवान के जो प्रिय हैं ऐसे उनके भक्त, भगवान को प्रिय हैं ऐसी गाय और भगवान को प्रिय देवताओं को देखकर जो लोग मस्तक झुकाते नहीं हैं, प्रणाम करते नहीं हैं, उनके घर पर, उनके हृदय में भगवान कभी नहीं जाते हैं। इसलिए झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम में बहुत शक्ति है। 10 अश्वमेघ यज्ञ करो और एक बार प्रणाम कर दो, उस यज्ञ से ज्यादा फल प्रणाम करने से प्राप्त होता है। प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करने वाले के वहां भगवान जाते हैं। और गोस्वामी जी ने तो बोले, जो लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करके गुरु और भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं करते हैं, सो सिर कटी संबर तूला, जोन नमत गुरु हरि पद मूला, उसके मस्तक को तो काट देना चाहिए। क्योंकि उसका मस्तक कुछ काम का नहीं है जो भगवान और गुरु के सामने झुकाते नहीं है। दुर्भाग्य जगत में अपना मस्तक पत्नी के सामने झुका देते हैं, हजाम के सामने जाकर बैठ कर ही झुक जाते हैं, परंतु भगवान के सामने झुका नहीं सकते, दुर्भाग्य है। झुकना चाहिए, झुकना ये भक्तों का स्वभाव है। जो व्यक्ति आपको झुका हुआ देखे, जिसके हृदय में नम्रता हो, समझ लेना चाहिए ये भक्त है। हमने गुरुजनों के मुख से सुना है भक्तों, इस संसार में ये समस्त वेद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके इसका सार क्या है? इसका सार है नम्रता, हम्बलनेस। यदि कितना भी शास्त्र के श्लोक याद है, वेद याद है, बड़े पंडित प्रकांड विद्वान हो, परंतु हृदय में नम्रता नहीं है, झुकते नहीं हो, तो वेद शास्त्र का कोई मतलब नहीं है। यथाखर चंदन भारवाई भारस्य वेता न तो चंदनस्य, वो तो वैसे ही है जैसे गधा जो होता है बहुत भार उठाता है, परंतु भार को जानता है, भार की महिमा को नहीं जानता है कि मेरे ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र है, कीमती वस्त्र है, लाखों रुपए के वस्त्र है, उसकी कीमत को नहीं समझता है। वैसे ही जो लोग वेद शास्त्र को याद करते हैं, पंडित बन गए हैं, परंतु जीवन में नम्रता नहीं है, तो गधे की तरह मात्र शास्त्र के भार को ढो रहे हैं, वे वास्तविक भगवान के भक्त नहीं है।
इसलिए हृदय में नम्रता होनी चाहिए। जिस वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं ना, वो डाली झुक जाती है। दूसरे शब्दों में जो डाली झुकी होती हुई होती है उसमें फल होता है। ठीक उसी प्रकार जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम रूपी, राम प्रेम रूपी फल होता है ना, वो भक्त सदैव झुका हुआ होता है, सदैव झुका हुआ। कोई उस पर कितना भी प्रहार करे, कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, परंतु सदैव वो शांत विग्रह रहता है, झुकना चाहिए। प्रेम रस स्वभाव जहाँ प्रेम रस संबंध, सही मान मोर नहीं कृष्ण प्रेमगन, यही तो प्रेम का स्वभाव है। तो जो लोग झुकते हैं उनके पास भगवान जाते हैं। तत्पश्चात कहते हैं कि जो लोग मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम है सहित परिवारा। जो लोग मंत्र राज महामंत्र का जाप करते हैं, यहां पर मंत्र नहीं लिखा, रामायण में केवल मंत्र नहीं लिखा। मंत्र लिखा होता तो आप जितने भी मंत्र जानते हैं उनमें से कोई एक लेकर भगवान की प्राप्ति कर सकते थे। मंत्र राज लिखा है, सभी मंत्रों का राजा। सभी मंत्रों का राजा कौन? महामंत्र। महामंत्र ही सभी मंत्रों का राजा। और वो मेरे और आपके कहने से महामंत्र नहीं बनता है। साक्षात भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने मंत्र राज महामंत्र प्रदान किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे महामंत्र का जो निरंतर जाप करता है, ग्रहण करता है, उनके वहां भगवान जाते हैं, भगवान प्रवेश करते हैं। इस प्रकार अनेक अनेक रहने के स्थान बताए, परंतु सभी स्थानों का सार यदि मैं आपको एक श्लोक में बताऊं, ये सनातन धर्म का सार एक श्लोक में देते हुए नव योगेश्वर निमि महाराज को कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा। महाराष्ट्र के लगभग सब भक्त ये श्लोक जानते हैं, क्योंकि गणेश जी की जब आरती करते हैं ना, जय देव जय मंगल मूर्ति, तब अंत में गाते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्या मनावानुवृत स्वभावा करोति यत यत सकलं परस्मे नारायणेति समर्पये तत्। भक्तों जानते हैं ये श्लोक भागवत का है, एकादश स्कंध के द्वितीय अध्याय का। नव योगेश्वर निमि महाराज को सनातन धर्म का सार बताते हुए कहते हैं, सनातन धर्म क्या है? बोले कायेन माने काया से, वाचा माने वाणी से, मनसा माने मन से, इंद्रिय माने इंद्रियों से, बुद्ध्यात्म नावानुश्रुत स्वभाव अपनी बुद्धि से, अपने स्वभाव से, करोति यत यत सकलम परस में आप जो भी करते हो, करोति यत यत सकलम जो भी सब कुछ करते हो, नारायणेति समर्पयेतत भगवान नारायण को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को अर्पण कर देना, यही है सनातन धर्म, यही है सनातन धर्म की व्याख्या। हम जो भी करते हैं उनका फल भगवान को अर्पण कर देना। इस प्रकार से जो इस प्रकार भजन करते हैं भगवान उनके घर पर, उनको भगवान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वाल्मीकि ऋषि ने स्थान बताए, भगवान ने प्रणाम किया, वाल्मीकि बार बार प्रणाम कर रहे हैं। भगवान रामचंद्र वहां से निकले, चित्रकूट की ओर प्रयाण कर रहे हैं प्रभु। चित्रकूट में बहुत सुंदर आश्रम चुना है भगवान श्री रामचंद्र ने। लखन को कहा कि यहाँ पर आश्रम बनाओ, पर्ण कुटीर बनाओ। चित्रकूट महिमा अमित कही महा मुनि जाई, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। चित्रकूट में यहाँ पर रहने लगे, भगवान को रहने दीजिए चित्रकूट में। गोस्वामी जी अब इस कथा को अयोध्या में लेकर जा रहे हैं। भगवान राम लक्ष्मण जानकी चित्रकूट में रह रहे हैं। अब गोस्वामी जी अपना कैमरा उठाकर अयोध्या की ओर कर रहे हैं। आइए अयोध्या में देखिए क्या हो रहा है। अयोध्या में जिस दिन से भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या को छोड़कर गए हैं, उस दिन से सारी अयोध्या ने भोजन छोड़ दिया है, खाना छोड़ दिया है। आज अयोध्या भगवान के विरह में दुखी है। भक्तों
और उसमें भी राजा दशरथ के आंखों में आंसू नहीं सूख रहा है, देवी कौशल्या के आंखों में आंसू नहीं सूख रहा है। अयोध्या के वासियों की वही स्थिति हुई जैसी स्थिति कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ब्रजवासियों की हुई थी। कृष्ण मथुरा में थे और कहकर गए थे कि मैं बहुत जल्द आऊंगा, जल्द वापस लौटूंगा, परंतु कृष्ण एक बार चले गए तो फिर आए नहीं। कृष्ण को पता चला ब्रज में सब लोग दुखी हैं। कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा, उद्धव जी आप जाओ और जाकर ब्रज के लोग को शांत करो, क्योंकि मेरे विरह में बहुत तड़प रहे होंगे, जाओ उनको ज्ञान देकर आओ। कृष्ण ने एक तीर दो निशाना मारा, उद्धव जी को ज्ञान का मद बढ़ गया था, स्वर्ग से ज्ञान प्राप्त करके आए थे। उद्धव जी के ज्ञान को काटने के लिए और ब्रज के भक्तों को शांत करने के लिए कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी मथुरा से गोकुल में आए हैं और गोकुल में उद्धव जी ढूंढ रहे हैं कि नंद बाबा और यशोदा का घर कहाँ है, कहाँ नंद बाबा यशोदा मिलेंगे। ढूंढते ढूंढते ब्रजवासी उस ब्रज की सीमा पर मिले। उद्धव जी ने कहा मुझे नंद कहाँ मिलेंगे, यशोदा कहाँ मिलेंगे। तब ब्रजवासियों ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव जी आपको नंद बाबा और यशोदा के घर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको नंद और यशोदा के घर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप ये नदी देख रहे हैं ना, ये नदी में पानी बरसते जा रहा है, बहते जा रहा है। उद्धव जी आप इस नदी के किनारे किनारे चलकर चले जाइए, जिस घर से यह नदी निकली है वही घर नंद और यशोदा का है। उद्धव जी क्या बताए, जिस दिन से कृष्ण गोकुल को छोड़कर गए हैं ना, नंद और यशोदा रात दिन रो रहे हैं। ये जल ये साधारण जल नहीं, ये नंद और यशोदा के आंखों के अश्रु का जल है, अश्रु की नदी बह रही है। उद्धव जी गए नंद और यशोदा के पास। नंद और यशोदा ने उद्धव जी का स्वागत किया, बिठाया। उद्धव जी ने नंद यशोदा को समझाने का बहुत प्रयास किया, गोपियों को भी समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन एक ही रट है, कीजे ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी सिंह निपे, ब्रज में तिहारी कला नेक भी खटे नहीं, रचना हमारी चारु चात की बनी है, उद्धव पिपी की बिहाई अब रटे ही रटे नहीं। उद्धव तुम ये जो ज्ञान लेकर आए हो ना, ये ज्ञान किसी और को जाकर सुनाओ, हमारी रचना हमारी जीवा तो चातक की तरह हो गई है, जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले जल को ही ग्रहण करता है, उस जल के बिना वो मर जाता है, प्राण त्याग देता है, परंतु उस स्वाति नक्षत्र के जल के बिना किसी जल को ग्रहण नहीं करता है। ऐसे ही उद्धव कृष्ण के बिना अब हमें कोई सुहाता नहीं है, कृष्ण के बिना अभी हमें कोई अच्छा नहीं लगता है। उद्धव हम आपकी बात मान जाते, परंतु सूरदास जी कहते हैं मन न भये दस बीस। उद्धव जी क्या करें, हम परवश हैं, हम विवश हैं, भगवान ने हमको एक ही मन दिया है, भगवान ने एक ही मन दिया और वह मन हम श्याम सुंदर कृष्ण को दे चुके हैं। यदि दो पांच मन होते तो वह मन में आपकी बात को बिठाते। और अंत में उद्धव जी को जब नंद और यशोदा ने कहा, उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबा और यशोदा ने कहा कि उद्धव उद्धव कृष्ण चले गए हैं कोई बात नहीं, परंतु कृष्ण को एक चीज तो याद करा देना कि उनका नाम गोपाल है, वो गोपाल है। गोपाल का अर्थ होता है गायों का पालन करने वाला। उद्धव नंद बाबा और यशोदा उद्धव जी को लेकर गौशाला में गए। उद्धव हमारी बात तो दूर रही, कृष्ण को हमारे ऊपर दया नहीं आ रही है कोई बात नहीं, परंतु कृष्ण को इतना तो कह देना कि जिस दिन से कृष्ण ब्रज को छोड़कर गए हैं उस दिन से ये गाय और बछड़ों ने कुछ नहीं खाया है, ये पशु भी अपना भोजन छोड़ दिए हैं, उपवास में उतर आए हैं। उद्धव के आंसू में अश्रु। ठीक उसी प्रकार जैसे उद्धव जी निराश होकर
व्रत से वापस लौटे थे, उसी प्रकार सुमंत्र जी निराश होकर अयोध्या में वापस लौटे हैं। दशरथ जी राह देख रहे हैं, सुमंत्र जी कब मेरे राम को लेकर आएंगे, कब मैं लक्ष्मण को देखूंगा, कब मैं मेरी पुत्र वधु सीता को देखूंगा। उद्धव जी आए, क्षमा कीजिए, सुमंत्र जी आए, क्योंकि भगवान ने सुमंत्र जी को वापस भेज दिया। सुमंत्र जी ने भगवान को कहा था, मैं तुम्हें ले ही बिना नहीं जाऊंगा, हमारे प्रभु दशरथ की आज्ञा है। भगवान ने सुमंत्र जी को बहुत सुंदर उपदेश दिया, मैं भूल गया बोलना, सुमंत्र जी को उपदेश दिया कि सुमंत्र जी आप तो मेरे पिता हो, आप तो जानते हो कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, आप बताओ यदि मैं पुत्र होकर मैं मेरे पिता के धर्म का पालन नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। और सुमंत्र जी मुझे तो धर्म का पालन करने में मात्र 14 वर्ष बिताने हैं, अरे पृथ्वी पर हमारे रघुवंश में ऐसे ऐसे राजा हो गए जिन्होंने अपना धर्म का पालन करने में अपने देह तक को दे दिए। शिवी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा सहु धर्म हित कोटि कलेशा, भगवान रामचंद्र कहते हैं राजा शिवी उस कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उस बाज को दे दिए, परंतु कबूतर को बचा लिए। दधीची देवताओं को की रक्षा करने के लिए अपनी हड्डी को दे दिया, हरिश्चंद्र अपने धर्म का पालन करने के लिए पूरी पृथ्वी को विश्वामित्र को दान में दे दी। तो हम उस वंश के हैं, हम उस कुल के हैं, मुझे मेरे धर्म का निर्वाह करने दीजिए। सुमंत्र जी को भगवान ने समझा दिया, सुमंत्र जी वापस लौटे। राजा दशरथ सुमंत्र जी की राह देख रहे हैं, मूर्छित घायल हाथी की तरह राजा दशरथ गिरे हुए हैं, सुमंत्र जी दशरथ जी के सामने खड़े हैं। सुमन जल्दी बताओ कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण। तब सुमंत्र जी दुख के साथ कहते हैं, मैं आपन की कहो कलेसो जियत फिरे हूं ले संदेशो। प्रभु प्रभु मैं बहुत दुष्ट हूं, सुमंत्र जी कह रहे हैं, प्रभु मैं बहुत दुष्ट हूं, मैं बहुत पापी हूं, क्यों? क्योंकि प्रभु मैं आज जीवित वापस लौटा हूं, मैं जिंदा यहां पर लौटा हूं, वास्तव में मैं दुष्ट हूं, यहां पर मैं नहीं मेरी लाश आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं राम को लिए बिना वापस आया हूं, मैं राम को छोड़कर आया हूं। प्रभु जो जीवन राम की सेवा में नहीं लग सकता है वो जीवन क्या काम का, जरूर जाओ उस जीवन जानकी नाथ जी जग में तुमरो बिन भय। जानकी नाथ भगवान राम के लिए ये जीवन काम में नहीं आया, तो जीवन कुछ काम का नहीं, लेकिन फिर भी मैं जीवित हूं प्रभु। वहां उद्धव जी ने कहा कृष्ण को, कृष्ण में वापस लौटने वाला नहीं था, परंतु मैं आपको संदेश देने के लिए आया हूं। मैं तो वहां मेरे मन में ऐसा भाव उठा कि उस ब्रजवासियों का मैं कण बन जाऊं। रसखान जी ने उद्धव जी के उस बोल को अपनी कलम चलाते हुए कहा है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो बजगो कुल गाव के ग्वारन। हे प्रभु यदि मरने के बाद मनुष्य बनूं तो उस ब्रज में उस ग्वाल वालों के बीच में एक छोटा सा ग्वाल वाल बन जाऊं, परंतु मुझे नहीं लगता है कि मैं मरने के बाद मनुष्य बनूंगा। मैं यदि पशु बनूं, क्योंकि मेरे कर्म फूटे हुए हैं, मरने के बाद निश्चित पशु बनूंगा, तो हे प्रभु मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, जो पशु हो तो कहां बस मेरो। उद्धव जी कहते हैं प्रभु मरने के बाद यदि मैं पशु बनूं ना, जो पशु हो तो
कहां बस मेरो चरावत नंद की धेनु मंजारन। यदि पशु बनूं तो नंद बाबा की 9 लाख गाय के बीच में एक छोटी सी गाय बन जाऊं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। लेकिन मैं पशु भी नहीं बनूंगा, मेरे कर्म फूटे हुए हैं। यदि मुझे पत्थर बनाना हो, पाहन हो तो वही गिरी को जो, पत्थर बनाना हो तो गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में एक छोटा सा पत्थर बना देना। कृष्ण वहां पर आएंगे, उनके चरण मेरे ऊपर लगेंगे, मैं धन्याति धन्य बन जाऊंगा। परंतु दोबारा जन्म देना है तो मुझे ब्रज वृंदावन में जन्म देना। उद्धव जी ने ये कहा था, सुमंत्र जी यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, इतनी बड़ी हानि हो गई, प्रभु हमारे हाथ से निकल गए और मैं जीवित हूं। इस संसार में कुछ लोगों के का धन लेकर कोई उठ जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है, पैसे चले जाते हैं या कुछ चला जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों? क्योंकि पैसे जो है प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। परंतु यहां पर पैसे नहीं, भगवान प्रिय है। सूत बचन सुनत ही नर नाहू, परे ही धरनी उर दारुण दाहू। सुमंत्र जी के वचन को सुनकर हृदय दशरथ जी के हृदय में भयानक अग्नि प्रकट हुई, जलने लगे। और जैसे बिना पानी के मछली तड़पने लगती है, वैसे राजा दशरथ तड़पने लगे, कांपने लगे। राम वापस नहीं आया। राजा दशरथ सुमंत्र जी के वचन को, गोस्वामी जी लिखते हैं, जल में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, मगर भी जल में रहता है, कछुआ भी जल में रहता है, कभी कभी मेंढक भी जल में चला जाता है। परंतु जल के साथ वास्तविक प्रेम यदि कोई है, किसी का है, तो ये मछली का। क्योंकि मगर बिना जल के रह सकता है, कछुआ बिना जल के रह सकता है, मेंढक बिना जल के रह सकता है, परंतु मछली बिना जल के 1 मिनट भी नहीं रह सकती है। बिना जल के मछली जैसे तड़पने लगती है, कांपने लगती है, वैसे राजा दशरथ तड़पने लगे। करी विलाप सब रो वही रानी, राजा दशरथ रो रहे हैं। राजा दशरथ की इस नाजुक स्थिति को देखकर समस्त रानी आज रो रही है। कौशल्या जी आई और देखा कि प्रभु की स्थिति बहुत गंभीर है। भय हूं कोलाहल अवध अति, पूरे अयोध्या में कोलाहल मच गया कि अब राम नहीं आएंगे। और राजा दशरथ इस स्थिति में पड़े हैं। विपुल बिहग बन परेऊ निसी, अब अयोध्या का सूर्य अस्त हो गया, आज अयोध्या लूट गई। प्राण कंटगत भयऊ भुआलू, दशरथ जी के प्राण अब कंठ में आ गए हैं, अब हृदय में प्राण नहीं रहे हैं। मनी विहीन जनु व्याकुल भयाओ, जैसे बिना मणि के स्वर्प अधमरा हो जाता है, वैसे बिना राम का, बिना राम के राजा दशरथ अधमरे से हो गए। कौशल्या दौड़कर दशरथ के पास गई, अपने गले लगाया, प्रभु धीरज धारण कीजिए, राम आ जाएंगे। कौशल्या समझ गई, वो खुद धीरज करके अपने पति को समझा रही है। धरी धीरजू उठ बैठ बुआलू, हे राजन आप धीरता रखिए, आप शोक मत कीजिए। परंतु राजा राम को याद करते करते बार बार मूर्छित हो रहे हैं। सुमंत्र जी पानी लेकर आए, राजा दशरथ के ऊपर पानी छिड़के। सुमंत्र जी ने कहा, राजन ये क्या हो रहा है आपको? तब राजा दशरथ अंतिम शब्द सुमंत्र जी से कहते हैं, सुमंत्र जी आज मेरी अवध लूट गई है, आज अयोध्या का नाथ हमें अनाथ करके चला गया है। सुमंत्र जी आप कहते थे ना कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, सुमंत्र जी मेरे जैसा पापी इस दुनिया में और कोई नहीं है। हे सुमंत्र, मारी जेटला पाप आ दुनिया में कोई नहीं करा हो,
હું બહુ અભાગ્યો છું, ગયા જન્મમાં મેં બહુ પાપ કર્યા હશે જેનું ફળ આજે મને આ મળી રહ્યું છે. સુમંત્રજી રાજા સુમંત્રજીને કહે છે, નૃપતિ કહે આગત જન્મો ના, રાજા હૃદય સે અપને અંતિમ શબ્દ કહેતે હૈ. નૃપતિ કહે આગત જન્મો ના, પ્રગટ્યા મારા પાપ આજે પ્રગટ્યા મારા પાપ. ગુરુ દુભાવ્યા હશે, ગાયોને મારી હશે, ગુરુ દુભાવ્યા હશે, ગાયોને મારી હશે, માર્યા હશે માને બાપ, ડુંગરે મેં ધામ લગાડ્યો એણે મારો ખેલ બગાડ્યો. સુમંત્ર, ડુંગરે મેં ડામ લગાડ્યો એણે મારો ખેલ બગાડ્યો. આજ કહી કહીએ મારો ખેલ બગાડી નાખ્યો. આજે મારા અનેક જન્મોના પાપ ઉભરાણા છે સુમંત, નિશ્ચિત મેં ગયા જન્મમાં બહુ પાપ કર્યા હશે. મેં અનેક લોકોના દિલ દુભાવ્યા હશે. અદ્ભુત કવિએ બહુ સુંદર પ્રાર્થના કરી. નૃપતિ કહે આગત જન્મો ના, નૃપતિ કહે ગત જન્મો ના, પ્રગટ્યા મારા પાપ આતે પ્રગટ્યા મારા પાપ. ગુરુ દુભાવ્યા હશે, ગાયોને મારી હશે, ગુરુ દુભાવ્યા હશે, ગાયોને મારી હશે, માર્યા હશે માને બાપ, ડુંગરે મેં દામ લગાડ્યો એણે મારો ખેલ બગાડ્યો. મેને પર્વત કો જલાયા હોગા, મેને માં ઓર બાપ કે હૃદય કો દુખાયા હોગા. હે સુમંત્ર, મેને અનેક અનેક લોકો કો મારા હોગા, કાટા હોગા, ગાયો કી હત્યા કી હોગી, યે અનેક જન્મો કે પાપ કા ફલ આજ મુજે મિલ રહા હૈ, આજ મેરા રામ મુજસે દૂર હો ગયા. इतना कहे के राजा दशरथ राम राम कही राम राम, अंतिम शब्द दशरथ के मुख से निकल रहा है, राम हे राम, हा रघुनंदन हे राघव. राम राम कही राम राम, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राऊं गयऊं सुर धाम. राजा दशरथ भगवान श्री रामचंद्र के विरह में राम 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 करते हुए अपने प्राण को छोड़ दिए. आज दशरथ के हृदय से प्राण पंखेरु उड़ गए हैं और उड़कर भगवान राम के चरणों में चले गए हैं. राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, परंतु भक्तों संसार में मरते तो सब लोग हैं, राजा दशरथ की जो मृत्यु हुई अद्भुत मृत्यु. भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, मरूं तो दशरथ की तरह मरूं. गोस्वामी जी ने लिख दिया, वास्तव में इस संसार में जीवन जीने का लाभ यदि किसी ने प्राप्त किया तो वो दशरथ ने किया, और मरने का लाभ भी यदि किसी ने प्राप्त किया तो वो दशरथ ने किया. જીવન મરણ ફલો દશરથ પાવા, અંડ અનેક મલ જસુ છાવા. જીવન મરણ ફલો દશરથ, જીવન ઓર મરને કા ફલ દશરથ ને પ્રાપ્ત કિયા. અનેક જસુ જીવન મરણ ફલુ દશરથ પાવા, અંડય નેકય
मलज सुपावा। जियन मरण फलो दशरथ पावा, स्वामी को यदि पूछा जाए राजा दशरथ कैसे जिए कैसे मरे क्या लाभ लिया, तो कहते हैं जियत राम बिदु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु समारा। जियत राम बिदु बदनु निहारा, राजा दशरथ जियत राम विदु बदनु निहारा, जीते जी अपने इन आंखों से राम को देखे और मरते समय राम के विरह में मरे। भक्तों हम जिस भाव में मरते हैं जिस स्थिति में मरते हैं हमारी गति वैसी होती है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम, इस कलेवर इस देह को त्यागते समय जो स्थिति होती है वह स्थिति मरने के बाद ऐसी गति मिलती, अंतमति सो गति। जीते जी राजा दशरथ भगवान राम का दर्शन किए और मरते समय राम नाम लेकर राजा दशरथ अपने प्राण को त्यागे। जियत राम बिदु बदनु निहारा, राम विरह करि मरनु सहारा। जियत राम बिदु बदनु निहारा, राम विरह करि मरनु सवारा। जीवन मरण जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंदयने मलज सुतावा। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंदयने मलज सुतावा। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हम मरे तो दशरथ की तरह मरे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हे स्वामी जब ये प्राण इस देह से निकले तो इतना करना कि आपका नाम जिह्वा पर हो, आप हमारे सामने हो, मुख में गंगा जल हो, तुलसी का पत्र हो। राजा दशरथ परम धाम को सिधारे हैं। भक्तों मरना सबको है, ये मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। गीता में भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अर्जुन जिस व्यक्ति का इस दुनिया में जन्म हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना है। इस संसार में लोग इतने मतवाले हो जाते हैं कि यह याद नहीं रखते हैं कि हमें भी एक ना एक दिन मरना है। भागवत के अष्टम स्कंद में एक गृहस्थ हाथी की कथा, ये हाथी नहीं हम जैसा गृहस्थ था गजेंद्र, हजारों पत्नी हजारों बच्चों के साथ घूमता फिरता था, सरोवर में के जल में जाकर खुद स्नान किया, बच्चों को स्नान कराने लगा और उस हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उस हाथी को बचाने के लिए उनकी समस्त पत्नी समस्त बच्चों ने मेहनत की परंतु उस गजेंद्र को कोई नहीं बचा पाया। इस जगत में भी हम लोग रात दिन जिसके लिए मेहनत करते हैं जिस दिन मृत्यु का समय निकट आएगा बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। आप चाहे इस जगत से कितना भी प्रेम कर लो, संसार में रहने वाले लोगों से कितना भी प्रेम कर लो, ये मृत्यु नामक भय से कोई नहीं बचा सकता है। यदि कोई व्यक्ति मरण से यहां पर पड़ा है, डॉक्टर को करोड़ों रुपये दिए जाए, डॉक्टर को कहा जाए आप एक मिनट जिला दीजिए, एक मिनट का एक करोड़ रुपये देंगे, मरते समय जब मृत्यु की अवस्था आती है तब एक मिनट के एक करोड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु मूर्ख यह नहीं जान सकते हैं जीते जी एक एक मिनट करोड़ों रुपये की बीत रही है, उन मिनटों में भगवान का भजन कर ले, भगवान का नाम